हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऑटिज्म के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म की डेफिनेशन क्या है, क्या 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 है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और दोस्तों ऑटिस्टिक बच्चों की क्या होती है वीकनेस, क्या होती है स्ट्रेंथ। और दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप DEEE SB स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करते हैं, या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन का, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटिज्म। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑटिज्म का टॉपिक। और उसके बाद दोस्तों, यहां पर आप देख लीजिए, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस वीक आप सभी को पता है कि कब कब मनाया जाता है। दोस्तों, 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है ये। अब दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटिज्म की डेफिनेशन। तो दोस्तों, आप यहां पर आसानी से पढ़ भी सकते हैं और उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ भी चलूंगा। ऑटिज्म इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी दैट टिपिकली अपीयर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लाइफ। यानी कि ये है एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि जो आपकी विकासात्मक विकलांगता, यानी कि जो समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। और दोस्तों, ये अपीयर कब तक हो जाती है, 3 साल से पहले ही अपीयरिंग हो जाती है। यानी कि अगर आपके घर में या आपकी कोई आसपास मोहल्ले में कोई इस तरह का बच्चा है, तो दोस्तों उसकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो अपीयरिंग होना शुरू हो जाते हैं कि ये बच्चा जो है एबनॉर्मल है। और दोस्तों, किस कैटेगरी में आता है वो ऑटिज्म या ऑटिस्टिक बच्चा कहलाएगा। अब दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ चलूँ, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कंडीशन इन अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो दोस्तों, ये विकासात्मक विकलांगता, ये आपको ध्यान रखनी है किस तरह की विकलांगता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और दोस्तों, आगे अगर मैं बात करता हूँ चलता हूँ, ASD अफेक्ट द वे द ब्रेन वर्क। और दोस्तों, ASD की यहाँ पर फुल फॉर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अफेक्ट किसको करता है, ब्रेन वर्क को, यानी कि आप दिमाग से जो काम कर सकता है एक नॉर्मल इंसान, वो ऑटिज्म से अफेक्टेड बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आगे हम आगे आपको बताते हुए चलते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट द पर्सन विद ऑटिज्म इन टू द हाई फंक्शनल एंड नो फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। और दोस्तों, यहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चे को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। यहाँ एक तो होता है हाई फंक्शनल और लो फंक्शनल। हाई फंक्शनल में वो चीज़ होती हैं जिन बच्चों में ज़्यादा सीवियर लॉस नहीं होता है और वो काफ़ी काम करने के लिए लायक होते हैं, एलिजिबल होते हैं। और दोस्तों, लो फंक्शन में वो बच्चे आते हैं दोस्तों जिनका काफ़ी ज़्यादा सीवियर लॉस होता है और जो भी डिसफंक्शन है ब्रेन का वो ज़्यादा बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो मैक्सिमम काम नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों, मैं आगे आपको बताता हुआ चलता हूँ कि इनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लो फंक्शन और हाई फंक्शन को डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो आगे दोस्तों, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है मैं आपको बताता हूँ चलूँ, ए डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम एबनॉर्मल और डिलेड मेंटल और फिजिकली डेवलपमेंट और कैरेक्टराइज बाय डेवलपमेंटल डिले। यानी कि जो माँ के गर्भ से जब बच्चे का जन्म स्टार्ट हो जाता है, तो दोस्तों वहाँ से लेकर बच्चे के जन्म तक, यानी कि गर्भावस्था से लेकर जन्म तक, इन्फेंसी के पीरियड तक, यहाँ पर जो भी डिसफंक्शन हो जाता है और उसमें क्या चीज़ होती है, मेंटल और फिजिकली डेवलपमेंट जो है वो डिले हो जाता है, जिस वजह से ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहलाता है। ये इसी तरह से होता है जैसे अगर कोई बच्चा है तो नॉर्मल क्या होता है कि बच्चों का भ्रूण में जो पोषण होता है या फिर जब उनका जन्म हो जाता है, तो उसके बाद एक क्राइटेरिया होता है कि बच्चा 2 महीने में रोलिंग करना स्टार्ट करेगा, 3 महीने में बैबलिंग करना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों, इन बच्चों में क्या होता है, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है किसी ना किसी फंक्शन में। या तो आप सोशलाइजेशन ले सकते हैं, या फिर आप दोस्तों कोई भी सोशल इंट्रैक्शन वगैरह जितने भी यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं, कॉग्निटिव पार्ट होता है, सोशल पार्ट होता है, इमेजिनेशन पार्ट होता है, तो दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं उनका डिले हो जाता है, अफेक्ट होता है, जिस वजह से आगे उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मैंने आपको बता दिया है। आगे मैं बताता हूँ चलता हूँ, 3 मेन रीज़न अफेक्टेड इन ऑटिज़म। दोस्तों, जो 3 एरियाज़ हैं, 3 मेन एरियाज़ अफेक्टेड इन ऑटिज़म, तो दोस्तों वो है, एक तो सोशल रिलेशनशिप, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है इमेजिनेशन। अब दोस्तों, सोशल रिलेशनशिप में बताता हूँ चलता हूँ, इंट्रैक्शन विद पीपल, तो दोस्तों इनका इंट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। ये आप ऑटिज्म को अगर आप, मैं हिंदी में कहूँ तो स्वलीनता बोला जाता है। स्वलीनता का मतलब होता है स्वयं में लीन, यानी कि बच्चा खुद में ही बिजी रहता है, उसको आसपास क्या जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में उसको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती। ना वो अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलना पसंद करता है, ना उनके साथ रिलेट करता है, या उनके साथ इन्वॉल्व भी नहीं होता है, ठीक है। अगला आते हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन स्पीकिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर्स है। तो दोस्तों, क्या होता है इसमें, एक तो एक मेन प्रॉब्लम जो होती वो इकोलेलिया की होती है। मोस्टली बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं उनमें इकोलेलिया की प्रॉब्लम पाई जाती है, यानी कि वो सेंटेंस रिपीट करते हैं जो उसको कहा जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँगा कि मुझे खाना दे दो, तो वो भी यही कहेगा कि मुझे खाना दे दो, ठीक है ना। और दोस्तों, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो स्पीकिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर्स है, दोस्तों वही रिपीट करते हैं जो अगला व्यक्ति कह रहा होता है, या इनकी जो वोकेबुलरी पावर है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। आगे दोस्तों, इमेजिनेशन, दोस्तों इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कॉग्निटिव पार्ट जो है वो भी अफेक्ट होता है। दोस्तों, इनके साथ जो पाया जाता है वो होता है रिपेटेटिव बिहेवियर। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ एन अनयूजुअल एंड रिपेटेटिव बिहेवियर। दोस्तों, अनयूजुअल एंड रिपेटेटिव बिहेवियर पाया जाता है, यानी कि ये बच्चे क्या करते हैं, क्लासरूम में अगर कोई बच्चा बैठा है या घर पर बैठा है, तो साथ में अगर कहीं कोने में एक छोटा सा धागा निकल रहा है, तो इनका जो विज़न है वहीं जाता है, और दोस्तों ये धीरे धीरे उसके पास जाएंगे और उस धागे को खींचना स्टार्ट कर देंगे। या फिर कोई भी जो एक चीज़ लटक रही है, वो घूम रही है, तो दोस्तों वो इनको अफेक्ट करती है, वो
प्रभावित होते हैं उससे, और दोस्तों इनका जो अटेंशन है वहीं पर चला जाता है। अब दोस्तों आगे मैं बताता हुआ चलता हूँ, लेट्स डू एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ एन ऑटिस्टिक पर्सन। तो दोस्तों ऑटिस्टिक पर्सन को आप जानने के लिए एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मटीरियल्स वी नीड फॉर दीज एक्टिविटीज़ क्या क्या चाहिए होंगे, टू प्लेट एंड स्टिक्स, और दोस्तों दो प्लेट और एक यहाँ पर स्टिक्स चाहिए होगी आपको। और उसके बाद अगला है दोस्तों मेमोराइज एक सीक्वेंस, क्या करना है इसमें, गैदर एवरीवन इन अ सर्कल एंड आस्क देम टू टेल अ सेंटेंस। दोस्तों जितने भी बच्चे हैं आपके पास, नॉर्मल है अबनॉर्मल है, उनको कलेक्ट कीजिए जो ऑटिस्टिक है, यहाँ पर किस तरह से आप पता लगवा पाएंगे कि अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ एन ऑटिस्टिक पर्सन। दोस्तों उनको बोलना है मुझे जो चीज़ खाना पसंद है वो है आम, ये टीचर ने बोला या फिर कोई भी मेंटर है जिसने ये चीज़ बोला। उसके बाद दोस्तों बच्चे भी वही रिपीट करेंगे, नाउ एवरीवन विल रिपीट दिस सेंटेंस विद देयर फेवरेट फ्रूट्स और अदर थिंग। तो दोस्तों वो सब भी अपने फेवरेट फ्रूट्स और अदर थिंग जो भी है उनका, जैसे मेरा आम है, आपका केला है, किसी का अनार है, किसी का आम है, वो रिपीट करना है। वर एवर रिपीट द सेम फ्रूट विल बी आउट। तो दोस्तों अब जैसे मैंने बोला मुझे खाना है आम, अगर कोई बच्चा बार बार मुझे खाना है, मुझे खाना आम बोल रहा है, तो वो आउट हो जाएगा। और हम यहाँ पर आसानी से पता भी लगा सकते हैं कि वो ऑटिस्टिक है, क्योंकि इकोलेलिया की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी सेंटेंस को रिपीट करना। अगर बच्चा नॉर्मल है तो दोस्तों वो अपने अपने फेवरेट फ्रूट्स के अकॉर्डिंग बताएंगे। अब दोस्तों आगे जो है, इन नेक्स्ट स्टेप वी विल चेंज द सेंटेंस टू दिस, मेरा मन है कि मैं घूमने जाऊँ कोलकाता, और अगेन विद द सेम रूल्स, बट नाउ वी विल एड सम डिस्टर्बिंग म्यूजिक टू दिस एक्टिविटी। और दोस्तों ये जब करा के हम कुछ डिस्टर्बिंग म्यूजिक चला देंगे, आफ्टर दैट वी रिलेट दिस एक्टिविटी टू एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको बता दी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या क्या है, नो आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बच्चा आपको आपसे आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाएगा, अगर मिलाता भी तो कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद इसकी आंखें इधर उधर देखना शुरू कर देंगे। रेपिटेटिव बिहेवियर और मूवमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि अगर हैंड फ्लैप करना है तो हैंड फ्लैपिंग फ्लिप करते रहेंगे। दोस्तों यही रिपिटेटिव बिहेवियर होता है, या फिर किसी धागे को बार बार खींचते रहना, या फिर कोई भी सेंटेंस रिपीट करते रहना, या फिर बार बार जंप करते रहना। आगे दोस्तों इनसेंसिटिविटी टू पेन, यानी कि इनको दर्द की बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं होती, सेंसिटिविटी लॉस होता है यहाँ पर, यानी कि ये सीढ़ियों से गिर जाए या अपने को बाइट करके काट लें, खून निकल रहा है, तो दोस्तों इनको दर्द नहीं होता है, ठीक है ना, होता है मगर ये उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एक्टिविटी टू सेंसरी गेम। अब दोस्तों आगे है इन अप्रोप्रिएट अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट, और दोस्तों इनको किसी भी ऑब्जेक्ट से जिसका कोई यूज़ भी नहीं है, जिसका यूज़ भी है यूज़ भी नहीं है, उनसे इन अप्रोप्रिएट अटैचमेंट हो जाता है। यानी कि जैसे अगर हम कोई रेलगाड़ी है तो हमें उसको चलाना है, मगर ये चलाएंगे नहीं है, उसको तोड़ेंगे, खोलेंगे, फेंकेंगे इधर उधर, इस तरह के बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं। आगे दोस्तों इन अप्रोप्रिएट लाफिंग और क्राइंग, तो दोस्तों ये क्या होता है, अगर आप मीटिंग हो रही है बहुत या फिर शौक सभा है तो दोस्तों वहाँ पर हंसने लग जाएंगे, और अगर कहीं पर आपको हंसना है तो दोस्तों वहाँ पर रोना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों आ गया डिफिकल्टी इन इंटरेक्टिंग विद अदर्स, दोस्तों मैंने बताया था आपको ये पीयर ग्रुप के साथ खेलना पसंद नहीं करते, ना ही इंटरेक्शन करते हैं उनके साथ, और ना ही इन्वॉल्व होते किसी भी एक्टिविटी में, तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आगे आप देख लीजिए डिफिकल्टी इन स्पीकिंग यूज़ जेस्चर एंड रिपीट व्हाट अदर्स से, दोस्तों इनको दिक्कत आती है बोलने में और दोस्तों इशारे करने में जो हम लोग पूछते हैं, जैसे अगर हम कुछ पूछते हैं या कुछ कहते हैं तो दोस्तों उसको बोलने में इन लोगों को प्रॉब्लम आती है। एक्टिविटी फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग गेम। अब दोस्तों आगे है इन एबिलिटी टू इंगेज इन कोऑपरेटिव प्ले, और दोस्तों सहयोग के साथ खेलने में भी समस्या आ जाती है। अब दोस्तों एक बहुत जो यहाँ पर बिहेवियर प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है, मे बी स्क्रीमिंग, चिल्लाना, रोना, टेंट्रम्स, और बहुत गुस्सा हो जाना, एग्रेशन, बहुत गुस्सा करना, सेल्फ अब्यूज़ करना या फिर सेल्फ बाइटिंग करना, ये चीज़ें आ जाती हैं एज वे टू कम्युनिकेट। अब दोस्तों आगे मैं बताता हूँ सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म, डिफिकल्टी इन रिलेटिंग टू अदर्स, अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट रेदर देन ह्यूमंस, दोस्तों अटैचमेंट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होता है इंसानों की बजाय, रेजिस्टेंस टू चेंज, और दोस्तों ये चेंज बिल्कुल पसंद नहीं करते, अगर इनकी कोई सिटिंग है और उनको वहां बैठना पसंद है, अगर आप कभी अलग जगह पर बैठाते हैं तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू कर सकते हैं। आगे दोस्तों ऑब्सेसिव एंड और कंपल्सिव बिहेवियर, यानी कि जो भी इनका सेंसिटिविटी लॉस होता है उसके कारण बिहेवियर प्रेजेंट हो जाते हैं, स्टीरियोटाइप बिहेवियर, रूढ़िवादी व्यवहार शुरू हो जाता है, स्लीपिंग, ईटिंग, एलिमिनेशन प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, इकोलेलिया एंड लिटरलनेस ऑफ लैंग्वेज, तो दोस्तों बताया था इकोलेलिया के अंदर आती है कि आप सेंटेंस बार बार रिपीट करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ ऑटिज्म, यानी कि ऑटिज्म के क्या क्या कारण होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर होती है तीन अवस्थाएं, प्रीनटाल, नटाल, पोस्ट नटाल। प्रीनटाल यानी कि जन्म से पूर्व, नटाल यानी कि जन्म के समय, और पोस्ट नटाल यानी कि जन्म के बाद। तो दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर प्रीनटाल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर जो है वो है एज ऑफ मदर, यानी कि मदर की एज प्रभावित करती है होने वाले बच्चे के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्या होता है, अगर माँ की एज जो है बहुत कम है, यानी कि कम उम्र में शादी हो गई है, या फिर ज़्यादा उम्र में शादी हुई है, या ज़्यादा उम्र में बच्चा कंसीव किया है, दोस्तों ये एक फैक्टर है, और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ चलूँ।
आरएच फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी, ये एक फैक्टर हो जाता है। अगला है ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, उसके बाद एबॉर्शन, यानी कि अगर मदर ने पहले एबॉर्शन कराया हुआ है तो दोस्तों ये आने वाले बच्चे जो अभी गर्भावस्था में है तो दोस्तों उस पर इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद है रेडिएशंस, और उसके बाद ड्रग्स एंड अल्कोहल, यानी कि अगर गर्भावस्था के समय दोस्तों मदर या फादर दोनों ड्रग्स या अल्कोहल लेते हैं तो दोस्तों ये भी एक संभावना है ऑटिज़म बच्चे होने की। उसके बाद दोस्तों माल न्यूट्रिशन, यानी कि माँ का पोषक तत्व ना ले पाना, अगर माँ पूरे पोषक तत्व लेती है तो दोस्तों ये संभावना नहीं होती है। और किसी कारणवश अगर माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार होती है माँ तो दोस्तों आने वाले बच्चे पर इफेक्ट हो सकता है इसका। उसके बाद दोस्तों कंसंगिनियस मैरिज, यानी कि रक्त संबंधी विवाह, यानी कि कजन्स वगैरह में जो मैरिज हो जाती है दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। दोस्तों ये हैं सारे फैक्टर प्री नेटल के। उसके बाद नेटल की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों प्री मेच्योर बर्थ, यानी कि जन्म जो उसकी अवस्था है, यानी कि 9 मंथ की अवस्था होती है बच्चे के जन्म की, जन्म होने की, तो दोस्तों अगर 9 महीने से पहले बच्चा हो जाता है या 9 महीने के 2-3 महीने बाद, यानी कि 11-12 महीने बच्चा होता है तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे में एबनॉर्मलिटी पानी होने की संभावनाएँ हो जाती है, यानी कि ऑटिज्म होने की संभावनाएँ हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद लो बर्थ वेट, यानी कि बच्चे का जो वज़न है, जो नॉर्मल बच्चे का वज़न होता है 3-3.5 किलो, उससे कम होता है तो दोस्तों ये भी एक फैक्टर हो जाता है। अगर ब्रेन इंजरी हो जाती है वो भी एक फैक्टर है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बच्चे का जन्म के समय ऑक्सीजन पर्याप्त ना मिल पाना, जिस कारण भी ऑटिज्म होने की संभावनाएं हो जाती है। अगला दोस्तों पोस्ट नटाल, इसके अंदर भी माल न्यूट्रिशन है कि बच्चा जो है उसको पोषक तत्व नहीं मिले हैं पूरे, जिस कारण वो ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। उसके बाद जॉन्डिस, अगर बच्चे को पीलिया हो जाता है। उसके बाद मेनिनजाइटिस, उसके बाद एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी का दौरे, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्टर करती हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म के, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए सारे यहाँ पर आपको साइन मिल जाने वाले हैं। 6 मंथ तक या 6 मंथ से पहले यहाँ पर जो साइन है वो देख लीजिए आप। फ्यू और नो बिग स्माइल्स और अदर वार्म जॉयफुल एंड एंगेजिंग एक्सप्रेशन, लिमिटेड और नो आई कॉन्टैक्ट, यानी कि जब बच्चा 6 महीने से पहले गया तो वो बिल्कुल भी आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है और दोस्तों ना उसको वार्म जॉयफुल किसी का भी पता नहीं है। उसके बाद 9 मंथ से तक की लेते हैं तो दोस्तों वहाँ पर है लिटिल और नो बैक एंड फोर्थ शेयरिंग ऑफ साउंड स्माइल्स और अदर फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी तरह का फेशियल एक्सप्रेशन ना दे पाना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर बच्चा रो रहा है तो रो ही जा रहा है, वो भी बिना किसी रीज़न के, ठीक है ना। अगला है दोस्तों बाय 12 मंथ लिटिल और नो बैबलिंग, और बैबलिंग नहीं कर पा रहा तो ये भी एक रीज़न हो, मतलब साइन में आ जाता है। लिटिल और नो बैक एंड फोर्थ जेस्चर सच एज पॉइंटिंग, शोइंग, रीचिंग और वेविंग, तो दोस्तों 12 महीने यानी कि 1 साल का बच्चा है तो वो अपनी जो उसे चाहिए उसको इशारा करके बोल सकता है, तो दोस्तों वो भी नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों लिटिल और नो रिस्पॉन्स टू नेम बाय 6 मंथ में आ जाता है, वेरी फ्यू और नो वर्ड्स, दोस्तों ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बाय 26 मंथ वेरी फ्यू और नो मीनिंगफुल टू वर्ड फ्रेसेज नॉट इंक्लूडिंग इमिटेटिंग और रिपीटिंग, तो दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए एट एनी एज लोज और लूज, तो दोस्तों 26 मंथ के अंदर आता है वेरी फ्यू और नो वर्ड्स। उसके बाद 24 मंथ तक आ जाता है वेरी फ्यू और नो मीनिंगफुल टू वर्ड फ्रेसेज नॉट इंक्लूडिंग इमिटेटिंग और रिपीटिंग, अगर आप इमिटेट या रिपीट नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों बिना किसी इमिटेटिंग और रिपीटिंग के वो कम से कम 2 शब्दों वाले वाक्य पढ़ना शुरू कर दे 24 मंथ यानी कि 2 साल में, जैसे घर चलो, खाना दो, इस तरह के, तो दोस्तों अगर नहीं कर पा रहा तो ये भी एक अर्ली साइन है ऑटिज्म के। और दोस्तों एट एनी एज यहाँ पर देख लीजिए फ्लैपिंग, रॉकिंग, स्पिनिंग, ये सारे जो रीज़न हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, और यही हैं डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, परसिस्टेंस प्रेफरेंस और सॉलिट्यूड, अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, तो ये रीज़न वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब दोस्तों हम आगे की तरफ आते हैं तो दोस्तों रोल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन का क्या रोल होता है यहाँ पर आप देख लीजिए। द मेजर पर्पज़ ऑफ अर्ली इंटरवेंशन इज प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट डिलेज, प्रिवेंशन कुड बी एट प्राइमरी लेवल व्हेन वी सीक टू प्रिवेंट द ऑक्यूरेंस और डेवलपमेंट ऑफ द कंडीशंस, यानी कि दोस्तों अर्ली इंटरवेंशन का यही होता है कि हम जितनी जल्दी उसका मतलब उसको हम पता लगा लें कि क्या सिचुएशन है और दोस्तों किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, उसके हिसाब से हम अपने प्लान डिसाइड कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन हो या फिर ऑक्यूपेशन थेरेपी हो या फिर फिजियोथेरेपी हो, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाती है। और इट कुड बी सेकेंडरी प्रिवेंशन वेयर इन वी एम टू रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेबिलिटी और डिले इन डेवलपमेंट, अर्ली इंटरवेंशन इज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन, इट इज़ डिजाइन टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, द अल्टीमेट गोल इन इंटरवेंशन इज टू इनहेंस नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द चाइल्ड, इंटरवेंशन में फोकस ऑन द चाइल्ड, पेरेंट्स, फैमिली और कम्युनिटी, दोस्तों सभी के साथ इंटरवेंशन करना है क्योंकि बच्चा जहाँ जहाँ इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, तो दोस्तों उन सभी को हम गाइड कर सकते हैं, तो दोस्तों ये एक तरह से अर्ली इंटरवेंशन में आ जाता है ताकि वो बच्चे के साथ वही बिहेव करे या बच्चे के साथ वही चीज़ें रखें सामने जिससे वो बिहेवियर इशू ना करे और उसका जो भी है बिहेवियर वो भी रिड्यूस हो और साथ ही साथ उसका एकेडमिक और को करिकुलर एरिया इन्हेंस हो जाए। दोस्तों
सिंस जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स, इट इज़ ओनली द एनवायरमेंट विच कैन बी मैनिपुलेटेड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन द चाइल्ड. इंटरवेंशन प्रोग्राम्स आर ईदर चाइल्ड फोकस और साइको सोशल इन नेचर, वेयर द फोकस इज फैमिली एंड एनवायरमेंट. द बेस्ट आउटकम हाउएवर इज एक्सपेक्टेड व्हेन बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड एंड इंप्लीमेंटेड. अब दोस्तों रोल ऑफ प्रोफेशनलिज्म में क्या आता है, तो दोस्तों पीडियाट्रिक का आता है हेल्प इन द प्राइमरी इंटरवेंशन, साइकोलॉजिस्ट का आता है हेल्प इन क्लिनिकल एंड एजुकेशनल असेसमेंट ऑफ चाइल्ड एंड हाउ टू टैकल बिहेवियर इश्यूज. दोस्तों यहाँ पर आपका क्लिनिकल असेसमेंट करता है साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल असेसमेंट भी कर सकता है, और उसके बाद दोस्तों जो उसके बिहेवियर उसको रिड्यूस कैसे करना है वो चीज़ें करते हैं. सोशल वर्कर क्या करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हेल्प द फैमिली टू मीट अदर मेंबर्स इन द रिहैबिलिटेशन टर्म्स एंड प्रोवाइड इन्फो एंड सपोर्ट. तो दोस्तों ये काफ़ी सारी जो यहाँ पर चीज़ें बताते हैं उसके लिए कई तरह से जो वो मतलब फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पर किस तरह से करना है, ठीक है. और दोस्तों जो रिहैबिलिटेशन टीम है वो गाइडेंस करते हैं कि बच्चों के साथ हमें इस तरह से काम करना है, साथ ही साथ पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं और अगर कम्युनिटी में भी काउंसलिंग करते हैं जो एक सोशल वर्कर होते हैं. और दोस्तों उसके बाद वो जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई उसके बेनिफिट्स के लिए वो भी बताते हैं. दोस्तों अगला स्पेशल एजुकेटर यानी कि वो क्या करते हैं, तो हेल्प द चिल्ड्रन टू गेन न्यू स्किल्स एंड लर्निंग प्रोसेस. दोस्तों वो बच्चे को चलना मतलब सिखाते हैं, नई नई चीज़ें सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं. दोस्तों ADL सिखाते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सिखाते हैं, यानी कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने का काम स्पेशल एजुकेटर मुख्य तौर पर करते हैं. फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, हेल्प इन द इंडिपेंडेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे के चलने में अगर कोई बाधा है तो दोस्तों वो उसको ख़त्म करते हैं फिजियोथेरेपी द्वारा. ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट में आता है दोस्तों हेल्प द चिल्ड्रन इन कोऑर्डिनेशन एंड सेंसरी इशू. स्पीच थेरेपिस्ट के अंदर दोस्तों आता है हेल्प द चाइल्ड टू कम्युनिकेट विद अदर. दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि बच्चा किस तरह से बोले, ये आता है स्पीच थेरेपी में. और दोस्तों ऑक्यूपेशन थेरेपी करता है बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन में फोकस. अब दोस्तों आगे आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की क्या क्या होती है. गुड रोट मेमोरी यानी कि वो जो है मतलब रटने वाली मेमोरी अच्छी होती है क्योंकि वो इमिटेट ज़्यादा करते हैं. और गुड स्पेशल मेमोरी भी होती है, गुड मैकेनिकल स्किल्स होती है, लैंग्वेज मोस्टली सेल्फ टॉट. और जो दोस्तों भाषा होती है वो खुद ही एनवायरनमेंट से खुद सीखते हैं, अगर आप उन्हें सिखाएंगे तो उन्हीं वो आपकी बातों को कैच करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, उसको रिपीट भी करते हैं. मेथोडिकल एंड सिस्टमेटिक और म्यूजिक कंप्यूटर एंड पजल्स में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग. और दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या, यहाँ पर आप देख लीजिए मंथली पेंशन स्कीम्स, रेलवे कंस्ट्रक्शन, बस पास, ATC, ये सब है. और दोस्तों यहाँ पर जितनी भी है यहाँ पर आप देख लीजिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, दिशा, विकास, ये सारी हैं. और आप यार आसानी से पढ़ लेना. दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल.